खबर बीकानेर के लूण करंसर से है, जहां हाईवे पर दौड़ती कार में आग लग गई। बामनवाली स्थित पेट्रोल पंप के पास कार में अचानक आग लगी, देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला तो वहीं आग की लपटों में कार धू-धू कर जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। कार से उठते धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग रही, जिसने पूरी कार को कबाड़ में तब्दील कर दिया। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता मनोज पुरी। मनोज, घटना हुई है, कार में अचानक आग लगी है, देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। जी आशीष, बिल्कुल बताना चाहूंगा, यह घटना राजमार्ग 62 पर बामनवाली गांव के पास की है, जहां एक लग्जरी कार 15 नंबरों की थी, जिसके नंबर है PB03G3636, बीकानेर से गंगानगर की ओर जा रही थी। इसमें एक महिला व दो बच्चे टोल प्लाजा कार्मिकों के अनुसार बताए जा रहे हैं। जी, चलती कार में डिग्गी के पीछे आग लगने की आग की लपटें देखी गई, तो होटल संचालकों ने कार चालक को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन शीशे बंद होने के कारण वो आवाज कार चालक तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद एक बोलेरो गाड़ी को पीछे भेज दिया गया, उस गाड़ी ने पीछा करके और उस कार को रुकवाया, तो तब तक कार पूरी तरह जलने लगी। वहीं तत्परता दिखाते हुए वो ग्रामीणों ने कार में सवार तीनों को बाहर निकाला और कार पूरी तरह जलकर ध्वस्त हो गई। जी जी आशीष, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता मनोज पुरी, जिन्होंने बताया कि टोल कर्मियों ने 3 लोगों की जान बचाई है। कार से उठती आग की लपटों को देखकर कार का पीछा किया गया, बोलेरो से पीछा कर कार को रुकवाया गया और समय रहते कार सवारों को बाहर निकाला गया, जिससे कि उनकी जान बच सकी। हालांकि कार जलकर कबाड़ हो चुकी है।